गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटी। एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी टॉपिक। सेम नेम, सेम टॉपिक, लेट अंडरस्टैंड, लेट डिस्कस। लाइक वाटर, देर आर अदर एसेंशियल facility that need to be provided for everyone. Water तो जरूरी है ही लोगों के लिए, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को, हर व्यक्ति को प्रोवाइड करना चाहिए। There are things like electricity, जिनमें से electricity है, public transport है, school है, college है, that are also necessary. मतलब सिर्फ वाटर पब्लिक के लिए तो जरूरी बहुत ही ज़्यादा है, एसेंशियल है मानते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज, ये भी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक फैसिलिटी, देन मस्ट यू कैन राइट दिस आंसर अबाउट पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी वो सभी चीज़ें होता है जिसमें लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो सर्विस हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट रोल। पब्लिक फैसिलिटी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट किस प्रकार से सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। One of the most important function of the government is to ensure that this public facility are made available to everyone. सबसे important function जो होता है, सबसे important काम जो होता है government का, government ये ensure करते हैं, ये देखते हैं कि public जो facility है, चाहे park हो, temple हो, water हो, electricity हो, वो सभी लोगों तक available हो रहा है या नहीं। ये main role होता है government का। Why the government must bear this public facility responsibility? आखिर सरकार क्यों इस प्रकार का जो public facility है उसका responsibility या जिम्मेदारी को लेता है? चलिए इसे भी समझते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है हमारा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर सरकार responsibility क्यों ले रहा है इतना facility का, ताकि लोगों तक हर चीज सुविधाएं पहुंच सके। The private company operate for the profit in the market. देखिए इसका सिचुएशन ये है कि हमारे या किसी देश में के बारे में अगर हम बात करें तो देश दो भागों में ही बटा हुआ है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। जहां पे प्राइवेट सेक्टर सिर्फ फायदा के बारे में सोचता है, वो नहीं, ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा देखता है हर इंसान से। उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। बट अगर बात करें हम लोग पब्लिक का, यहाँ पब्लिक फैसिलिटी मतलब हो गया गवर्नमेंट फैसिलिटी। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है कि सुविधाएं हर लोगों तक पहुँचे, ताकि कोई बीमार ना हो, कोई अशिक्षित ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है हर व्यक्ति जो है ह्यूमन रिसोर्स है देश के लिए, हम सब भी एक रिसोर्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो कर सकता है वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए मार्केट में। इन द मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हेल्ड टू बी हैड। यहां पे एक आ गया, पब्लिक फैसिलिटी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को नहीं देखा जाता है, नो प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन अकर्स टू द कंपनी फॉर कीपिंग अ ड्रेन क्लीन, रनिंग एंटी मलेरिया कंपेन अभियान। यहां पे बताया गया है कि मान लीजिए व्हाट प्रॉफिट कैन बी अकर टू अ कंपनी, एक कंपनी को प्रॉफिट क्या मिलेगा अगर वो ड्रेन करे, मतलब नाली को क्लीन करे, या रनिंग या एंटी मलेरिया कंपेन करे, अभियान करे, तो इससे उसको कोई फायदा नहीं। अगर वो नाली साफ कर रहा है या किसी तरह का मलेरिया एंटी मलेरिया कंपेन अभियान कर रहा है, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं है। जहां पे प्राइवेट कंपनी को कोई फायदा नहीं, वो वहां पे काम नहीं करता। अब प्राइवेट कंपनी विल प्रॉबली
नॉट टू बी इंस्टेटेड इन द अंडरस्टैंडिंग सच वर्क। प्राइवेट कंपनी को किसी इस तरह से काम से जो साफ सुथरा हो गया या कंपेन हो गया किसी का या अभियान हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बट फॉर द पब्लिक फैसिलिटी, बट पब्लिक फैसिलिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनी में वेल बी इंटरेस्टेड। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि बट फॉर द पब्लिक फैसिलिटी, देखिए यहाँ पे ये कहा गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइवेट कंपनी तो लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पर वो कुछ पब्लिक फैसिलिटी में ध्यान देते हैं जिससे इनको फायदा मिलता है। जैसे हो गया स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये अपने फायदा के लिए ही पब्लिक फैसिलिटी दे रहा है। जब उनको फायदा नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं करेंगे। मैं वेल इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो किसी अभियान में या मलेरिया या ड्रेन साफ करने में या नाली को साफ करने में उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि नाली साफ करने से या फिर एंटी मलेरिया कंपेन से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो काम भी नहीं करते हैं। बट जहाँ बात प्राइवेट स्कूल का हो, प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, तो उनको फायदा नजर आता है, उनको प्रॉफिट मिलता है, उनको सैलरी मिलता है, उनको बहुत कुछ मिलता है, इसलिए वो काम करते हैं। इन सिटी प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग वाटर, बिल्कुल शहर में प्राइवेट कंपनी वाटर भी सप्लाई करता है थ्रू द टैंकर, और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन द सील बोतल, और बिल्कुल बहुत सारे बोतल को भी बेचता है सील वाटर। जैसे आप, हम लोग मार्केट में देखते हैं बहुत सारा कंपनी का बोतल प्राइवेटली बिकता भी है, तो जहां से उनको फायदा दिखता है वो काम भी करते हैं। मतलब पब्लिक फैसिलिटी वही देते हैं, वो बिल्कुल पब्लिक फैसिलिटी देते हैं, बट सिर्फ प्रॉपर मल्टी के लिए। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट एट अ प्राइस। ये इस केसेस में जितना भी हमने पढ़ा उसमें प्राइवेट कंपनी जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटी पब्लिक, बट उसका एक प्राइस होता है दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड, जो कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। द राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन द कंट्री। देखिए राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में लिखा गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी लिया है कि हर लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, सबको वाटर मिलना चाहिए, सबको हेल्थ का स्वस्थ होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को, राइट को माना है, और उसने आर्टिकल 21 में लिखा है। इसके अनुसार कोई भी सरकार हो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पब्लिक फैसिलिटी दे पब्लिक लोगों को, क्योंकि ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। तो आप याद रखेगा कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, बट गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट में संविधान में ही लिखा हुआ है कि हाँ ये काम करना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी देयर फॉर द मस्ट बी दैट द गवर्नमेंट, मतलब ये काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती। ठीक है, तो आप सभी इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और इस टॉपिक से जो हम लोग सीखे हैं वो यही सीखे हैं कि अगर आपको एग्जाम में आगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक फैसिलिटी, तो दिस क्वेश्चन विल सुटेबल टू दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक। इस टॉपिक से आप अपना आंसर को तैयार कर सकते हैं। इस टॉपिक में जब तक आप प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट सरकार को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें या सिमिलरिटी नहीं दिखाएं, तब तक आप इस क्वेश्चन को लिख भी नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ फायदे के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट कंपनी पूरे देश के लिए काम करती है, सबके लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। सो थैंक यू, मस्ट राइट द क्वेश्चंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर लाइफ एंड पब्लिक फैसिलिटी।